हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये हमारा जुलाई मंथ का फर्स्ट टॉपिक है, फेसेस ऑफ एनिमल्स। इसमें सिंपल से सिंपल वे से मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे आपको फेसेस बनाने हैं एनिमल्स के, और शेडिंग कैसे करनी है, सिंपल सी शेडिंग बताती हूँ। तो फर्स्ट फेस हम बनाते हैं एक डियर का। ठीक है ये बेटा, ये देखिए ये शेप मैंने बनाई है। ये कैसे बनानी है हमें, ये देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ये सर्कल है और ये हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इसमें हमने ये जब ड्रॉ किया तो ये आया हमारा ड्राइंग। ये ऐसे ठीक है, और यहाँ से सर्कल में ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से इसको यहाँ, और ये ऐसे। दिख रहा है बेटा, सर्कल, रेक्टेंगल, उसके बाद हमने ये फेस बनाना स्टार्ट किया है। ऐसे ऐसे यहाँ पर हम इसकी आई बना देते हैं। यस, ईयर्स के लिए कोई शेप नहीं है, ये आपको फ्री हैंड ही बनाने होंगे। बड़े ध्यान से बनाना। यहाँ से ऐसे ऐसे। अब जो हमें एक्स्ट्रा पेंसिल्स नज़र आ रही है हम उसको रब कर देंगे पहले, शेडिंग से पहले। देखिए जितने भी एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं रब कर रही हूँ। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले आप अगर शेप यूज़ कर लें तो बहुत इजीली वो बन जाती है। ये देखिए इसका फेस सामने आ गया निकल के, ये देखिए। शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग करते हुए ध्यान रखें कि आपकी जो पेंसिल की लाइंस हैं वो पूरी तरह से मिक्स होनी चाहिए।
देखिए बेटा, ये एक फेस कंप्लीट है एनिमल का हमारा, ठीक है। मैं सेकंड फेस स्टार्ट करती हूँ। इट्स अ कैट, ओके। तो पहले मैंने ये डियर आपको जो बनाया वो सर्कल रेक्टेंगल से, तो यहाँ पर भी मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ध्यान से देखें ज़रा, सर्कल ड्रॉ किया मैंने कैट के फेस के लिए। अब यहाँ पर टू सर्कल्स, यहाँ पर ट्रायंगल, टू सर्कल्स, ट्रायंगल, ओके। अब हम इससे डिटेल देंगे, तो सबसे पहले तो ईयर्स को देती हूँ। चलो, ये ईयर्स गया, इसको थोड़ी सी शेप दे देंगे, बस हो गई ट्रायंगल शेप में। हल्की सी ये दी मैंने शेप यहाँ से, बस बन गया। यहाँ से ये ऐसे और ऐसे, थोड़े से इसको हेयरी बनाएंगे। जो लाइन है ये बिल्कुल प्रॉपर एक सिंगल लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। हेयर्स हैं कैट के, तो ये थोड़ा सा ज़िगज़ैग नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने बनाए हैं। ये देखो, लाइन दिख रही है, एक प्लेन लाइन नहीं जा रही है ये, ओके। अब आइस को कर देती हूँ। ये सर्कल बनाए थे, इसके ऊपर मैंने ये लाइन बस डार्क कर दी है और कुछ नहीं। बस अब इसको यहाँ से मिला दिया ऐसे, ठीक। इसके अंदर छोटे सर्कल्स, डॉक्टर, ठीक है। नोज है, नोज के लिए यहाँ पर ऐसे ये डार्क किया, ठीक है। हल्की सी बॉडी शो कर देते हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं। ये यहाँ से बिल्कुल सर्कल नहीं जाएगा, ऐसा करते हैं इसको हल्का सा ऐसे शेप दे देते हैं, बस ठीक है। अब यहाँ पर शेडिंग देते हैं, इसमें शेडिंग आप बहुत इजीली कर लेंगे। ये देखिए, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सिंपल शेडिंग। ये देखिए, बस ज़िगज़ैग। कहीं पे शेडिंग लाइट और कहीं पर डार्क, हर जगह डार्क नहीं आएगी और हर जगह लाइट नहीं आएगी, तो शेडिंग उसी तरीके से बन करना। हर जगह एक टोन नहीं रखनी है, ठीक है। ये बन गया हमारा कैट का फेस। टू फेसेस हमारे ये कंप्लीट हैं, कैट और डियर।
बेटा एक बात ध्यान रखना कि आपकी बुक में 3 फेसेस हैं एनिमल्स के, बट मैं 2 ही आपको ड्रॉ करा रही हूँ। तो आपकी चॉइस है उन 3 में से कौन सी 2 एनिमल फेस आप ड्रॉ करेंगे और शेडिंग करेंगे। ओके, बाकी जो भी क्वायरीज होंगी आपकी क्लास में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे।